तो हाय गाइस, फाइनली डेट बहुत ज़्यादा क्लोज है। February 2 PlayStation 5 इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या स्टॉक में रहेगा या नहीं, क्या मेरे को अगर स्टॉक में नहीं मिला तो मैं गेमिंग लैपटॉप ले लूँ, गेमिंग पीसी ले लूँ, क्योंकि PlayStation 5 में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है इतनी जल्दी से नहीं मिलने वाला है। प्री ऑर्डर करते समय भी चुटकियों में बिक गया था सारा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है इतनी इजीली आपको नहीं मिलने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको 2 फरवरी को भी। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको 50,000 रुपये का एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए या फिर जाना चाहिए PlayStation 5 के साथ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के पास बहुत पहुंचने ही वाले हैं बस। तो सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, और चलो और बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूजेज की। हमें PlayStation 5 क्या देता है? सिर्फ गेमिंग। आप उस पर गेमिंग कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, एज अ स्मार्ट टीवी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक गेमिंग लैपटॉप या फिर एक गेमिंग पीसी की, तो उस पर आप एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, न जाने क्या क्या चीज़ें आप उस लैपटॉप पे कर सकते हो। अगर आप कोई गेम वगैरह की वीडियो बनाते हो तो उस पर आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गई यूजेज। अब यूजेज तो देखो लैपटॉप की बहुत ही ज़्यादा है। आपको लैपटॉप इतना ज़्यादा काम करवा के देगा जितना आप PlayStation 5 से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ PlayStation 5 गेमिंग में आपकी मदद कर सकता है। तो इस पॉइंट का जो लीडर है वो है एक पी, क्योंकि मैं जितना बोलूँ उतना काम है उसके बारे में। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देगा आपको, हर चीज़ आपको करा सकता है। तो क्लियर विनर है ऑलराउंडर लैपटॉप, जबकि आप PS5 में सिर्फ गेम्स खेल सकते हो। अगर हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, तो वो आता है यहाँ पर एक्सपीरियंस। अगर आप कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक काम के लिए ले रहे हो, जैसे अगर आपको टाइपिंग का काम है तो आप एक कीबोर्ड ले रहे हो, तो आप ये देखोगे कि टाइपिंग कर रहे हैं मुझे मज़ा आ रहा है, या फिर अगर आपका मन है कुछ बढ़िया सा खाने का, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को कम प्राइस में सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा। तो वहीं पर यही भी बात आती है कि आपको एक्सपीरियंस किस में बढ़िया मिलेगा। मैं 50,000 रुपये तो खर्च रहा हूँ और मुझे करनी सिर्फ गेमिंग। मुझे नहीं मतलब है कोई भी काम से, मुझे कोई काम नहीं करना है, सिर्फ मैंने ऐसे पीछे बैठना है और मेरे को तो गेमिंग करनी है भाई, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो उस चीज़ के लिए आपको सबसे परफेक्ट जो चीज़ रहेगी वो है PlayStation 5, क्योंकि PlayStation 5 आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहली बात तो ये, 4K में 60 FPS आपको ला कर देगा, और जो मज़ा है गेमिंग करने का, जो कंट्रोलर में से आपको जो आपको हैप्टिक साउंड्स वाइब्रेशंस आएंगी, और जब आप उसको खेलोगे वो ट्रिगर कभी हार्ड हो रहा है कभी सॉफ्ट हो रहा है, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो एक ट्रूली इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस होगा। जबकि अगर आप एक PC या लैपटॉप लेते हो तो आपको कोई उसमें हैप्टिक फीचर्स नहीं मिलते हैं कि आपका कीबोर्ड वाइब्रेट हो रहा है, नहीं, आपको सिर्फ पंखे की आवाज़ सुनने को मिलती है, और गर्म हो जाता है कभी कभार तो लैपटॉप या फिर PC, थर्मल थ्रॉटिंग देखने को मिलती है। तो वहीं आप गेमिंग लैपटॉप पर इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो 50,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट पे। आप अपने 50,000 रुपये के गेमिंग PC अगर बिल्ड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1650 Ti लगवा सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं लगा सकते। अगर आप 1660 के साथ जाओगे फिर आपको मॉनिटर छोटा लेना पड़ेगा या प्रोसेसर छोटा लेना पड़ेगा। तो वहीं पर जो एक्सपीरियंस आपको देता है PlayStation 5 50,000 रुपीज़ में, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, वो है पोर्टेबिलिटी। अब PlayStation 5 को भी आप कहीं पर भी उठा कर लेके जा सकते हो। आप अपनी नानी के घर जा रहे हो 14 दिन के लिए, और वहाँ पर आपने अपने TV में लगाया, आप खेल सकते हो। गेमिंग PC के साथ ऐसा नहीं है, बट आप गेमिंग लैपटॉप के साथ ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो मज़ा है वो अगेन PlayStation 5 का ही है। आपको यहाँ पे अपने घर पे भी सेम ही मज़ा आएगा, जहाँ पर आप घूमने जाओगे वहाँ पर भी सेम ही मज़ा आएगा, तो वो चीज़ तो है ही। इन पोर्टेबिलिटी के पॉइंट में एक और भी इशू आता है, वो ये है कि अगर आप जा रहे हो कोई टूर पे, जैसे कि आप कोई टेंट वगैरह में रहना चाह रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप अपना लैपटॉप लेके जाओगे तो वहाँ पर आप फिर भी गेम कर पाओगे, चाहे 1 घंटा कर पाओ पर कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपना PlayStation 5 लेके जाओगे तो फिर आपको अपना मॉनिटर या फिर TV भी लेके जाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको एक पावर सोर्स भी चाहिए होगी जो कि आप नहीं ले सकते। तो पोर्टेबिलिटी में जो विन जाएगी वो जाएगी हमारे गेमिंग लैपटॉप पर, ठीक है। तो एट द एंड अगर हम आते हैं कि असली में कौन विजेता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जितने भी मैंने पॉइंट्स गिने उसके हिसाब से बात करें, तो जो लैपटॉप है उसकी तरफ जाते हैं हमारे 2 पॉइंट, क्योंकि आप उसमें कुछ भी काम कर सकते हो, ब्राउजिंग वगैरह भी कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, और पोर्टेबिलिटी भी है, आपको स्क्रीन वगैरह सब साथ में लेके जाना, कोई पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी आपको। PlayStation 5 आपको एक्सपीरियंस और गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊं, तो यहाँ पर अगर आप PlayStation लेते हो, PlayStation 5 लेते हो, तो आपको थोड़ा सा खर्चा और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक हार्डवेयर ऐसा ले रहे हो जो आपको 60 या 120 FPS देगा, तो
तो आपको जो आपकी LED स्क्रीन है, LCD स्क्रीन है, वो भी थोड़ी महंगी वाली लेनी पड़ेगी, अराउंड 40-50 हज़ार रुपये तक की। तो वहाँ पर आपका एक एडिशनल खर्चा आ जाएगा, आपको 1 लाख रुपये ऑलमोस्ट पड़ेंगे एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो ऐसे में 50 हज़ार रुपये के लैपटॉप या फिर गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती है। अगर हम 1 लाख रुपये के प्लेस्टेशन 5 और 1 लाख ही हो गए TV वगैरह मान लो, और साथ में अगर आप PC लोगे, तो PC का दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो वो एक लेजिट होगी, क्योंकि प्लेस्टेशन 5 अकेला कुछ नहीं है, उसको आपको उसके साथ एक मॉनिटर तो लगाना ही पड़ेगा, तब यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को सेम मिलेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो फिर भी प्लेस्टेशन 5 के पास ही जाएगा। अब आ जाते हैं एंड में, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं हम आउटर से 1 मिनट पहले। फटाफट से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मेरे पास अगर 50 हज़ार रुपये हों तो मैं एक प्लेस्टेशन 5 लूँगा। TV वगैरह मेरे घर में है, इतना गरीब नहीं हूँ मैं, तो TV तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। अगर आपको 4K गेमिंग करनी है तो 4K TV या मॉनिटर भी होना चाहिए आपके पास। ये थी यार वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड। बाकी मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।